Cristiana Grande. Não me abre. डैड्स गर्लफ्रेंड अतुल जी का नाटक है और अतुल जी बहुत अच्छे नाटक करते हैं. हाँ, अब की बार पहली बार शायद वो रियलिस्टिक नाटक कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि नाटक बहुत अच्छा होगा. मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र इसमें काम कर रहे हैं, सुमन वैद्य जी, उन्होंने भी बहुत कहा है मुझे और इसलिए मुझे अपनी वर्कशॉप छोड़ के आना पड़ा. मैं ये सोच रही हूँ, ऑल माई बेस्ट विशेज टू द ग्रुप. And I hope they perform very well. आपका नाटक से बहुत साल से जुड़े हुए हैं और आपको बहुत चाहते भी हैं नाटक में, आपके किरदार को या जो भी प्ले करते हैं. आपका ऐसा कोई एक नाटक जो आपके बहुत दिल के करीब हो? सब नाटक मेरे दिल के. एक माँ से कोई पूछ सकता है कि उसका कौन सा बच्चा उससे ज्यादा प्यारा है? ओके, तो एक कोई अगर आप नहीं बताना चाहें? नहीं, ऐसा नहीं. अच्छा, आजकल बहुत सारे जो लोग नए नए इंडस्ट्री में जो आ रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सबको नाटक, जीवन भर नाटक करना चाहिए. बस बस मुझे नाटक देखने दो. नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक हल्का फुल्का फैमिली एंटरटेनर है, कॉमेडी है, तो जब आप एक कॉमेडी प्ले देखने आते हैं तो आप एक्सपेक्ट करके आते हैं कि आप इन्जॉय करेंगे. सो आई एम श्योर, और ज़्यादातर एक्टर्स जो हैं वो हमारे पहचान के हैं, जो मेन डैड बने हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट से ही हैं. सो आई थिंक बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, तो मज़ा आएगा अपने लोगों को देखने में. सी, आई थिंक अतुल बहुत सालों से जो है थिएटर में एक्टर हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि लगातार काम कर रहे हैं. क्योंकि सी देखिए, लाइव आर्ट में और जो विजुअल जो मीडियम है जैसे फिल्में हैं, टीवी, उसमें आप एक बार जो काम करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है. वो आपने अच्छा किया है, बुरा किया है, कम किया है, ज़्यादा किया है, वो रिकॉर्ड हो चुका है, वो अब हिस्ट्री बन चुकी है. लाइव थिएटर में यही एक मज़ा होता है कि आज आपने शो किया, गॉड फॉरबिड आपसे कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ कमियाँ रह गई, आप उसे अगले शो में सुधार सकते हैं. फिर अब अगले शो में अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन रहा, लोगों को परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, उसके अगले शो में अगर आप कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाहें या कुछ और. सो ये लाइव आर्ट का जो मज़ा है वो एक्टर डायरेक्टर्स दोनों को बहुत मज़ा देता है. और अतुल जो हैं वो हमेशा से बड़े हिस्टोरिक प्लेस करते रहे हैं काफ़ी. आई थिंक काफ़ी गैप के बाद वो एक कॉमेडी प्ले कर रहे हैं, जो कि एक ज़रूरी भी एक डायरेक्टर के लिए कि आपने एक तरह की चीज़ की है, चलिए अब कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं. देखिए, नाटक जो है वो सिनेमा से ऐसे नहीं किया जा सकता कि मेरी फेवरेट फिल्म ये है. जब लाइव थिएटर जो होता है, जो लाइव आर्ट जिसको हम कहते हैं, वहाँ एक्टर्स आपकी आंखों के सामने परफॉर्म करते हैं, गलत सही जैसा भी हो रहा है वो उस वक्त हो रहा है. सो नाटक जो है वो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं एक का नाम लेना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि पचासों नाटक देखे हैं, किए भी हैं. लेकिन लाइव थिएटर का मज़ा ये है कि आप उस पल को एंजॉय करें. जब आप स्टेज पे एज एन एक्टर हैं तो आप उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं कि आपकी आपकी अच्छी चीज़ पे ऑडियंस उसी वक्त रिएक्ट करती है, ताली बजा देती है. कुछ गलती होती है जो कई बार शायद ऑडियंस को नहीं पता चलती, आपको पता चलती है. तो वो लाइव थिएटर का वो मज़ा है, वो एज एन ऑडियंस भी हम एंजॉय करते हैं और जब ऑन स्टेज होते हैं तब भी एंजॉय करते हैं. थिएटर्स में काफ़ी प्रेशर होता है एक्टर के ऊपर, क्योंकि फीडबैक भी ऑन द स्पॉट मिल जाता है. सी, यही तो डेफिनेशन है. इसीलिए सिनेमा को कहा जाता है कि वो डायरेक्टर्स मीडियम है और थिएटर को कहा जाता है कि वो एक्टर्स मीडियम है. डायरेक्टर जो है आपको 2 महीने तक रिहर्सल कराता है, तैयारी कराता है, आपको बोलता है नहीं तुम यहाँ से यहाँ जाओगे और वहाँ खड़े हो जाओगे. लेकिन जिस दिन शो होता है उस दिन डायरेक्टर के हाथ में कुछ नहीं होता, स्टेज पे जो एक्टर करेगा वही बाप है. सो लेकिन सिनेमा में क्या है कि डायरेक्टर, इसीलिए वो डायरेक्टर्स मीडियम है क्योंकि वो जो आपसे कहता है वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है. सो प्रेशर तो डेफिनेटली होता ही है, लेकिन आई थिंक जो लाइव आर्ट का मज़ा है वो भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है. यार अभी बहुत सालों के बाद मैं अब ज़रा ब्रेक ले रहा हूँ छोटे पर्दे से और थोड़ा बड़े पर्दे की तरफ रुक कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं ज़रा संभल जाने तो, सेटल हो जाने तो अपने आप आपके सामने आ जाएंगे. हिंट तो थोड़ी देर थोड़ी लगती है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा. थैंक यू. हाँ सर, आज प्ले हेड द डैड्स गर्लफ्रेंड, तो कितना एक्साइटेड आप देखने का, पहले तो ये जानना चाहिए.
पहले तो नाम ठीक लो, डैड्स, हाँ द डैड नहीं है, डैड्स गर्ल। तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अतुल कौशिक जी को और वो अच्छे ड्रामे लिखते हैं और ये पहली बार उनका इंग्लिश में अटैम्प्ट है मेरा ख्याल, और अच्छा ही लिखा होगा क्योंकि नाम बड़ा कैची है और आई एम श्योर इट शुड बी ए मिसचीवियस कॉमेडी, और क्योंकि कॉमेडी का मुझे बहुत शौक है तो आई ऑल्सो केम टू सी इट, आई होप इट्स गुड। मैं तो पिछले 40 साल से प्लेस कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे प्लेस हैं, जो प्लेस मेरे दिल के करीब हैं वो एक मेरा प्ले है शतरंज के मोहरे जो मैं इप्टा के लिए करता हूँ, एक प्ले मेरा ही लिखा हुआ है मेरा वो मतलब नहीं था जिसमें अनुपम खेर, नीना गुप्ता और मैं, हम तीन लोग हैं, और एक मेरा प्ले मसाज है जो मेरा सोलो है, और अतुल जी के साथ मैं एक प्ले करता हूँ द्रौपदी, वो भी अच्छा ही उन्होंने किया हुआ है, और मेरा एक प्ले रॉन्ग नंबर अभी परसों बॉम्बे में होने जा रहा है रंगशारदा में, वो भी अच्छा है। तो प्ले सभी अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं अच्छे होते हैं तभी तो हम कोशिश करते हैं कि वो ऑडियंस के सामने आए। आई होप दिस ऑल्सो हैज़ गुड। सी यू, प्ले शुरू हो रहा है अभी, बाद में बात करते हैं।